हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट टू के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे पास टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे वट इज द प्रॉबिबिलिटी दैट वोथ विल विजिट द शॉप ऑन नंबर फर्स्ट था हमारे पास द सेम डे सेकेंड था कंजिव डे और थर्ड था हमारे पास डिफरेंट डेज तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था वो चीज हम लिख लेंगे ठीक है दो कस्टमर थे हमारे पास कौन कौन एक था श्याम श्याम और दूसरी थी एकता अब देखो ये फाइव डे जाते थे कब कब जाते थे ट्यूसडे से लेके सैटरडे uh, तक तो ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ट्यूसडे को मैंने टी से डिनोट किया वेडनसडे को डब्ल्यू से डिनोट किया थर्सडे को टी एच से डिनोट किया फ्राइडे को एफ से और सैटरडे को एस सेम एकता भी ट्यूसडे जाती थी डे जाती थी थर्सडे जाती थी फ्राइडे जाती थी और सैटरडे जाती थी ठीक है तो अब हम सबसे पहले देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे हमारे पास तो देखो अगर शाम ट्यूसडे को जाता है हमने एज्यूम किया कि वो ट्यूसडे को जाता है तो एकता जो है वो ट्यूसडे भी जा सकती है वेनसडे भी जा सकती है थर्सडे भी फ्राइडे भी सैटरडे भी तो टोटल कितना बन रहा है मेरे पास ट्यूजडे 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 वेनजडे ट्यूजडे थर्सडे ट्यूजडे फ्राइडे ट्यूजडे सैटरडे सेम सेकंड केस भी ऐसे ही बनेगा सपोज श्याम जा रहा है वेनसडे को तो एकता मेरी वैनसडे ट्यूसडे भी जा सकती है वेनसडे वेनजडे भी जा सकती है वेनजडे फ्राइडे वेनसडे सैटरडे अलग अलग डेज पे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल सेम सेम डेज जाने पर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी सैंपल स्पेस क्या बन रहे थे तो क्या लिखेंगे हम वेन श्याम एंड एकता विजिटिंग अ पर्टिकुलर इसको मैंने साइड में लिख लिया ऐसे करके अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक सेम वीक बो गए तो पॉसिबिलिटी क्या रही थी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या थे पॉसिबल आउटकम्स आर मैं डिनोट कर लेती हूं इसको एस से तो सैंपल स्पेस देखो क्या बनेंगे हमारे पास क्या था फर्स्ट ट्यूसडे ट्यूसडे तो क्या लिखूंगी मैं ट्यूजडे ट्यूजडे फिर आएगा हमारे पास ट्यूजडे वेडनेसडे फिर आएगा ट्यूजडे थर्सडे फिर आएगा ट्यूजडे फ्राइडे ट्यूजडे सैटरडे उसके बाद क्या था हमारे पास वेडनेसडे तो अगेन वेडनेसडे का भी वैसे ही सैम्पल uh, स्पेस बनेगा तो वेडनेसडे ट्यूजडे वेडनेसडे वेनसडे वेनसडे थर्सडे वेडनसडे फ्राइडे वेनसडे सैटरडे ठीक है उसके बाद क्या था थर्सडे तो थर्सडे का भी सेम ऐसे ही बनेगा थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनसडे थर्सडे 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 फ्राइडे थर्सडे सैटरडे उसके बाद क्या था फ्राइडे तो आएगा फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 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 सैटरडे फिर था लास्ट सैटरडे तो बनेगा सैटरडे सैटरडे वेडेटर सैटरडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे और लास्ट था सैटरडे सैटरडे तो ये मेरे पास सैम्पल स्पेस बना देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्स इन टू फाइव कितने होते हैं हमारे पास 25. Five days थे, five थे, तो टोटल, uh, sample space कितने आ 25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? To, हमारे पास 25. ये sample space 25 आ अब फर्स्ट हमें क्या बोला था फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो था वो था सेम डे आने की प्रॉबिबिलिटी फाइंड करनी थी तो सेम डे हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे लेट ये मैंने एनएस लिया था सैंपल स्पेस तो यहाँ पे एनएस आएगा क्या होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या एन एस लिख दिया मैंने ट्वेंटी फाइव तो फर्स्ट था हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी थी सेम डेज की तो क्या लिखेंगे लेट ए ले लिया मैंने सपोज करो ए मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए इज द इवेंट ऑफ श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन द सेम डे सेम डे जब वो जाते थे तो मैंने उसको ए मान लिया तो क्या लिखूंगी मैं ए क्या आ जाएगा हमारे पास देखो सेम डे कब कब आएगा ट्यूसडे ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे तो लिखेंगे ट्यूसडे ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे देन सैटरडे सैटरडे टोटल कितना है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आगे हमारे पास फाइव तो इसको मैं लिख लूंगी नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ इवेंट ऑफ श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन द सेम डे एन एज इक्वल टू फाइव टोटल आगे हमारे पास फाइव अब देखो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाल लेंगे हम फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा नंबर ऑफ आउटकम कितने थे हमारे पास फाइव और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो फाइव वन से फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा वन अपॉइन फाइव तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास शाम और एकता की विजिट करने की सेम सेम डेज की सेम सेकेंड था हमारे पास सेकेंड बोला था प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कॉन्जिक्यूटिव डे की कॉन्जिक्यूटिव डे क्या होते हैं जैसे सपोज करो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक छोड़ के एक ऐड करना सेम कंटिन्यूस में जो नंबर होते हैं तो वो क्या आएगा इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ बी तो लेट बी इज द इवेंट दैट बोथ श्याम एंड एकता श्याम एंड एकता या बोथ लिख लिया तो फिर शाम और एकता लिखने की जरूरत नहीं है आपको लेकिन बोथ नहीं लिखोगे फिर लिखोगे आप शाम एंड एकता विजिट इट कॉन्जिक्यूटिव तो क्या आएगा हमारे पास इसको मैं बी लिख लेती हूँ फिर क्या आएगा हमारे पास अगर शाम जाएगा ट्यूसडे को तो एकता कब जाएगी वेडनसडे को ट्यूजडे तो इसका रिवर्सिबल भी होगा वेडनसडे ट्यूसडे भी आएगा हमारे पास उसके बाद था अगर शाम जाएगा वेनजडे को तो वो जाएगी एकता जाएगी हमारी थर्सडे को ठीक है तो थर्सडे और वैनसडे भी आएगा रिवर्सिबल भी चलेंगे दोनों ठीक है फिर थर्सडे तो फ्राइडे होगा फ्राइडे और थर्सडे भी आएगा अगर वो जाएगा फ्राइडे को तो फ्राइडे के साथ सैटरडे तो सैटरडे फ्राइडे भी आएगा ठीक है ये बने टोटल आउटकम्स कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एन बी कितना आ गया हमारे पास एट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी का मतलब क्या था इवेंट दैट बोथ विजिट कॉन्जिक्यूटिव डे तब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो कितने थे एट अपॉन ट्वेंटी फाइव ये आ गया सेम थर्ड बोला था हमें थर्ड किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी डिफरेंट डेज डिफरेंट डेज की निकालनी थी तो क्या लिखोगे प्रॉबेबिलिटी बोथ विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे जब डिफरेंट डेज के निकालोगे तब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला था पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू वन अब यहां पे मैंने सेम डे को एज्यूम किया था तो मैं लिख सकती हूं पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू तो वन तो देखो पी ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी कितनी थी मेरे पास वन अपॉन फाइव तो पी ए नॉट की वैल्यू कैसे आएगी वन माइनस वन अपॉन फाइव तो जब इसका एल्सियम लेंगे कितना आएगा फाइव और फाइव माइनस वन तो कितना आ गया फोर अपॉन फाइव तो देखो प्रोबेबिलिटी बोथ विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे क्या प्रोबेबिलिटी आई फोर अपॉइन फाइव तो ये आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू था हमारे पास अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो दैट नंबर इट इज थ्रोन टू टाइम्स एंड द टोटल स्कोर इन टू थ्रोस इज नोटेड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द टू थ्रोस अब बोला क्या था निकालने के लिए टेबल गिवन था हमारे पास नंबर इन फर्स्ट थ्रो और नंबर इन सेकंड थ्रो What is the probability that the total score इज द प्रॉबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज नंबर वन probability और थर्ड में था एट लीस्ट सिक्स एट लीस्ट का मतलब होता है वो चीज तो होनी ही चाहिए सिक्स तो होना ही चाहिए उससे ज्यादा होगा तो उसको भी हम ले लेंगे ठीक है अब इसमें देखो टेबल मैंने ये ड्रॉ किया है नंबर ऑफ फर्स्ट थ्रो था नंबर ऑफ सेकेंड थ्रो था सबसे पहले ये चीजें हमारे पास गिवन थी जो मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी टेबल कंप्लीट करना था पहले तो ये करना था हमने तो देखो टू था अब टू प्लस वन सम बोल रखा था नंबर का तो टू प्लस वन यहाँ पे मैं एक बता देती हूँ टू प्लस वन हमारे पास कितना आएगा थ्री अब टू प्लस टू कितना होगा फोर टू प्लस टू फोर टू प्लस थ्री फाइव टू प्लस थ्री फाइव टू प्लस सिक्स एट थ्री प्लस वन फोर थ्री प्लस टू फाइव थ्री प्लस टू फाइव थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री प्लस सिक्स नाइन अब देखो ये भी थ्री था यहां पर भी थ्री है सेम तो एज इट इज मैं इन्हीं नंबर को नोट डाउन कर लेती हूँ फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स नाइन अब ये हमारे पास नंबर बन गया अब यहां पर बोला था अ डाई इज थ्रोन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डाय में क्या होता था मैक्सिमम हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये नंबर होते हैं हमारे पास वन में कुछ वन ऐसे करके होता है टू होते हैं तो दो निशान होते हैं हमारे पास थ्री होता है तो थ्री शेप्स आती हैं फोर होता है तो फोर फाइव और सिक्स यहाँ पर ये भी डाई है लेकिन यहाँ पर जो नंबर थे वो वन कॉमर टू कॉम टू थ्री थ्री एंड सिक्स ये वाले नंबर थे ठीक है तो टोटल आउटकम कितने होंगे यहां पर भी इसके सिक्स इंटू सिक्स क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी सिक्स नंबर थे सेकेंड टाइम में भी सिक्स हैं तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे हमारे पास थर्टी सिक्स तो क्या लिखेंगे हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे हमारे पास सिक्स इंटू सिक्स सिक्स फर्स्ट थ्रोथ में थे और सिक्स ही सेकेंड में थे कितना आ जाएगा हमारे पास थर्टी सिक्स तो टोटल पॉसिबल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हुए वो आ गए हमारे पास थर्टी सिक्स अब नंबर वन हमें बोला गया था निकालने के लिए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो तो so, मैं क्या करती हूँ ए ले लेती हूं इवन प्रोबेबिलिटी लेट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल एज इवन तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं देखो हमारे पास टू इवन है फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ट्वेल्व से ज्यादा तो मेरे पास आया नहीं था कहीं पर जो टू से हमारे डिवाइड होते हैं टू के मल्टीपल्स उनको हम बोलते थे इवन नंबर तो हम यहाँ पर फिगर में देखेंगे इवन नंबर कौन कौन से थे तो देखो टू फोर 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 एट जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे लिख लेंगे तो मैं यहाँ पर नोट no डाउन कर लेती हूँ इन सबको क्या क्या आएगा हमारे पास टू अब फोर कितने टाइम्स थे वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टाइम्स फोर लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब सेम सिक्स देखेंगे सिक्स कितने टाइम्स थे हमारे पास वन टू थ्री थ्री टाइम्स सिक्स थे तो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फोर टाइम थे सिक्स ये लिखेंगे उसके बाद एट देखेंगे तो एट कितने टाइम्स थे हमारे पास वन टू थ्री फोर तो फोर टाइम्स एट लिखेंगे हम उसके बाद था ट्वेल्व ट्वेल्व हमारे पास वन टाइम ही था ओनली वन टाइम तो टोटल तो नंबर कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो एन ए कितना आ गया हमारे पास एटीन ए क्या था इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल एज इवन जो इवन नंबर थे हमारे पास वो आगे 18. अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर कितनी आ जाएगी फॉर्मूला क्या था हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या आता था टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो देखो कितने नंबर थे हमारे पास एन ए आया मेरे पास एटीन और टोटल नंबर थे हमारे पास थर्टी सिक्स तो एटीन वन जा एटीन एटीन टू जा थर्टी सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा वन अपॉन टू ये आंसर आ गया सेम सेकंड क्या बोल रखा था हमें निकालने के लिए कि सम बताना था हमें जहां पर सिक्स है कि सिक्स कितनी बार आया है तो क्या लिख लूंगी मैं इसको मैं बी ले, ले लेती हूं लेट बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज सिक्स ये लिख लिया तो नंबर ऑफ बी कितना आएगा हमारे पास अब सिक्स कितने टाइम्स था हमारे पास वन टू थ्री फोर सिर्फ और सिर्फ फोर टाइम्स था वन टू थ्री फोर टाइम्स था कल ब्रैकेट लगाओगे आप तो सिक्स फोर टाइम्स था सिक्स जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ सिक्स तो कितना आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फोर ये कितने नंबर थे मेरे पास फोर एंड भी था फोर मतलब फोर टाइम्स थे तब मैंने फोर लिखा तो आएगा फोर अपॉन थर्टी सिक्स फोर वन सा फोर नाइन सा तो कितना आ गया आंसर वन अपॉन नाइन सेम थर्ड पार्ट था हमारे पास प्रॉबिबिलिटी निकालनी थी एट लीस्ट सिक्स की तो इसको सी मान लेती हूँ लेट सी इज इवेंट ऑफ Getting some at least six. अब at least का मतलब क्या होता है कि सिक्स वो चीज तो होनी ही चाहिए लेकिन उससे ज्यादा होगी तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे ठीक है तो क्या लिखेंगे सी क्या था हमारे पास सिक्स कितने टाइम था वन टू थ्री फोर फोर टाइम सिक्स था फिर उसके बाद क्या था एट भी था नाइन भी था एट uh, भी है नाइन भी है ट्वेल्व भी है तो जो भी नंबर है वो हम लिख लेंगे सिक्स था हमारे पास फोर टाइम सेवन था हमारे पास वन और टू टू टाइम्स तो सेवन लिख लेंगे उसके बाद एट था हमारे पास फोर टाइम तो वन टू थ्री फोर टाइम एट लिखा नाइन्थ था हमारे पास वन टू थ्री फोर टाइम तो वन टू थ्री फोर और ट्वेल्थ था हमारे पास वन टाइम तो सी कितना आ गया देखो हमारे पास टोटल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन एन सी कितना आ गया हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन है यहाँ पे कितना आएगा फिफ्टीन ये आगे फिफ्टीन हमारे पास ठीक है तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी गेटिंग अ अब मैटलिस्टिक्स तो वो कितना आएगा अगेन फॉर्मूला क्या होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में आता था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितना आएगा फिफ्टीन अपॉन में थर्टी सिक्स तो किससे डिवाइड हो जाता है थ्री से थ्री फाइव ज फिफ्टीन और ट्वेल्व थ्री जी थर्टी सिक्स तो आंसर आ जाएगा फाइव अपॉन ट्वेल्व स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना लेंथी है थोड़ा सा लेकिन ईजी है अच्छे से हो जाएगा ठीक है